हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको घर पर घी कैसे बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये भी बताऊंगी, और मलाई का कोई भी पार्ट हम वेस्ट नहीं करेंगे। उससे हम घी बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, और जो खुरचन बचेगी उसका क्या यूज़ करना है वो सब मैं एक वीडियो में कवर करूंगी। अगर आप एक बार घर पर बनाना घी शुरू कर देंगे ना, तो आपको बाजार का घी बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाला है। ये मेरी लगभग 10 दिन की मलाई है। आप ध्यान रखें, जब भी मलाई को स्टोर करना स्टार्ट करें तो बर्तन में एक चम्मच दही ऐड कर दें। इससे आपकी मलाई काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेगी और आपको उसमें से कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। मलाई को रखना आपको फ्रिज में ही है। फिर एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे मलाई को और उसमें पानी ऐड कर देंगे। मुझे मिक्सी के जार में निकालना आसान लगता है, आप चाहें तो हाथ से भी विस्प करके निकाल सकते हैं, बट मुझे बहुत आसान लगता है मिक्सी में निकालना, और इसमें बहुत जल्दी आसानी से मक्खन भी निकल आता है। तो इसमें मैंने पानी डालकर इसको चला लिया है। अब हमारा बटर ऊपर आ गया है और हमारा जो छाछ बच रहा है वो नीचे है। फिर अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ आप पानी डालें तो एकदम ठंडा पानी डालेंगे, इससे ना आपका बटर बहुत अच्छा बनेगा। इसको चलाते वक्त आइस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने साइड में रख दिया। फिर सेम जार में मैंने जो बाकी की मलाई रखी थी वो ट्रांसफ़र करूँगी। अब ना मैं बाकी जो पानी ऐड करूँगी ना, वो बाहर वाला पानी ऐड नहीं करूँगी, जो ये छाछ था उसी को ऐड करके मैं फिर से इसको चला लूँगी। ये हमारा बटर निकल चुका है, अब हम उसको भी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ मैंने बटर मिल्क को सेपरेट कर लिया है, और आप चाहें तो इस बटर मिल्क को ऐसे भी पी सकते हैं, आप इसमें इसको कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आज इसके यहाँ पनीर बनाऊंगी। तो मैंने इसको एक गैस पर रख दिया है और इसको उबलने तक पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कभी कभी ये बिना कुछ डाले फट जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ डालना पड़ता है, तो आप विनेगर, नींबू या फिर दही कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका पनीर अलग हो जाएगा और हमारा पनीर एकदम रेडी हो जाएगा। एक छन्नी पर मैंने कपड़ा रखा है और जो हमने पनीर निकाला था वो इसमें से छान लेंगे। पनीर को हमें अच्छे से वॉश करना है जिससे इसका खट्टापन निकल जाएगा। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर कपड़े में इसको दबा दबा कर इसका सारा पानी अलग कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे से दबा कर किसी हैवी चीज़ से दबा कर रख देंगे, जिससे सेट हो जाएगा और आप इसके पीसेस वगैरह आराम से कट कर सकते हैं। सारा पानी मैंने निकाल लिया है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक ये जो बटर है ना, इसको हमें 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करना है। अगर हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे तो घी बहुत जल्दी निकल आता है। आप चाहें तो बटर को ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर ये अनसॉल्टेड है, तो इसी स्टेज पर आप क्या करें, जैसे इसको वॉश करने के बाद इसमें सॉल्ट डालकर रख दें, तो ये आपका घर का होममेड सॉल्टेड बटर रेडी हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते बटर रखना तो आप इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस पर रख देंगे, तो आपका घी बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने स्लो गैस पर बटर को पकने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा बटर मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान रखें थोड़ी स्लो गैस पर ही पकाएंगे तो ज़्यादा घी बैटर निकलेगा। यहाँ देखिए घी हमारा निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब थोड़ा सा और पकाना है और हमारा घी एकदम रेडी हो जाएगा। जब घी रेडी हो जाएगा तब हम इसको छान लेंगे। और
और जो ये खुरचन बची है ना, इसको कढ़ाई में फिर से ट्रांसफ़र कर दें और इसमें पाउडर्ड शुगर या चीनी ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए और चला लें। ये हमारे लैंग्वेज में हम इसे होममेड चॉकलेट बोलते हैं। आप इसे क्या बोलते हैं एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, बट ये चॉकलेट बहुत ही टेस्ट लगती है। हमारा यहाँ पनीर भी सेट हो गया, अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। धीरे धीरे करके घी के झाग एकदम अपने आप से खत्म हो जाएंगे। हमारा होममेड प्योर घी, प्योर पनीर और होममेड चॉकलेट भी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप किस तरीके से घर में घी, पनीर वगैरह बनाते हैं। तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।